इतना शानदार खाना रेडी हो रहा है हम लोग का इधर भी। और ये यार उसके बाद फिर काम से आके मेरा काम रहता है लिखने पढ़ने वाला, और हम लोग हाँक ताप रहे हैं भाई इस ठंडे में। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो कैसे हो आप सब, तो स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल नोमैड साबिर में। और सुबह हो चुका है तो भाई इतनी ठंडी है पूछो मत यहाँ हमारे गांव में। और आपको गांव का जो ठंड होता है भाई एक अलग ही लेवल का होता है, शहर में क्या होता है कि उतना नहीं रहता है लेकिन गाँव का ठंड एक अलग ही होता है। तो आपको दिखाते हैं गाँव का क्षेत्र, तो देख सकते हो कितना वेरी मतलब। और सबसे अच्छा बात है कि एकदम सुबह सुबह जब उठिएगा तो नज़ारा एकदम हरा हरा सा नज़र आएगा अपना, तो गांव का वाइब्स एक अलग है। और हमारी ये फ्रेंड देख सकते हैं, तो यही है। चलो आज की सुबह की शुरुआत करते हैं और आपसे मिलते हैं, आज का सब कुछ दिखाते हैं आपको। चलो अभी के लिए बाय। सब छत से आ गए थे और बैठ के जीडी वाला जो था ये सेट मार रहे हैं, देख सकते हो दोस्तों। देखो एक बात याद रखना, अगर आप अभी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो जितना हो सके सेट लगाइए, जितना हो सके उसको टेस्ट सीरीज दीजिए। अभी हम देते हैं, मतलब उससे क्या फ़ायदा होगा ना कि आपका ध्यान रहेगा, क्वेश्चन समझ में आएगा। तो 30 सेट्स का है अभी तक, हम ये दोबारा सेट लगा रहे हैं अपना, और इस तरह से बनाते रहे जैसे कोई भी चीज़ हो क्वेश्चन हो गया तो इस तरह से अपना याद करते रहे लिख लिख के। लिखने से क्या फ़ायदा होता है कि याद हमेशा रहता है। तो यही बात है दोस्तों, अभी पढ़ाई चल रही है, जीडी का एग्ज़ाम भी बस जल्द ही आने वाला है, तो जो तैयारी में लगो भाई लगे रहो, मेहनत छोड़ना नहीं है। चलो अभी पढ़ाई करते हैं फिर आपसे बातें होंगी दोस्तों। हाँ पढ़ाई वढ़ाई करके उठे हैं तो चलें अभी थोड़ा जो काम है हमारा वो करते हैं। तो तुम गांव क्षेत्र में भी हैं फिलहाल हम रह रहे हैं भाई साहब, थोड़ा गांव का ही एरिया है, तो पढ़ के उठ गए थे अभी काम पे जा रहे, उसके बाद फिर काम से आके मेरा काम रहता है लिखना पढ़ने वाला, कुछ जो सामान आता है उसको बस लिख देना है कि हाँ इतना है इतना गया जो भी हो वहीं जा रहे हैं। और देख सकते हो पूरा गाँव क्षेत्र में भी हम हैं फिलहाल कुछ दिनों के लिए ही, उसके बाद पटना जाएंगे। देख सकते हो यार गाँव में क्या बताएं, मतलब एक फील एक अलग ही लोकेशन रहता है भाई, चारों तरफ एकदम खेत खेत खेत, वाओ जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, देख सकते हो पूरा। तो एंजॉय कर रहे हैं, चलो फिर आपसे बातें होंगी बाद में, फिर मिलते हैं। साहब भूख लगी थी ज़ोर से यार, और बैठ के मिल्क बिस्कुट खा रहे, काम तो हो गया था उधर भाई, खेत में ही है अभी तक, उधर से आया तो इतना मज़ा आ रहा है बाप पूछो मत यार। जब आदमी काम करके उठता है और कुछ खाता है, आह क्या बताएं, आनंददायक ये पेड़ ये पौधे, आह चलो मज़े लेते हैं भाई साहब, फिर मिलते हैं आपसे रूम। बाहर से आ गया और खाना का टाइम हो गया था, देख सकते हो कितना शानदार खाना रेडी हो रहा है हम लोग का इधर भी। और ये हमारे सेफ साहब हैं जॉनी भाई, वसीम भाई, ये हमारा दोस्त बाबू, बस खाना खाते हैं भाई उसके बाद फिर शुरू होगा कहानी। चलो खाना खाते हैं इसके बाद आपसे बात करते हैं। तो भाई खाना उन्होंने खा के छत पे आ गए थे पढ़ने के लिए, हम अपना भी पढ़ रहे थे और ये भाई साहब पढ़े लिखे हैं है नहीं, तो बोले भाई हमें भी जो कुछ पढ़ा लिखा दीजिए, तो इनको भी पढ़ा रहे हैं, हिंदी से ही शुरुआत कर रहे हैं। तो भाई पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है, कोई सीमा नहीं होती है, तो चलो भाई अभी हम पढ़ते हैं उसके बाद फिर मिलते हैं बाद में। तो भाई साहब फिर पढ़ाई वढ़ाई करके उठे तो रात हो गया था, और हम लोग हाँक ताप रहे हैं भाई इस ठंडे में। तो इसी के साथ आज का दिन गुजरा और सब शाम हुई रात हुई, पढ़ाई लिखाई चला। आज का ब्लॉग दोस्तों हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और ठंडा तो भाई इतना है कि पूछ मत, हालत ख़राब रह रही है, आग तक तापना चल रहा है। हमारे साथ जॉनी भाई हमारे हैं दिल्ली से, तो चलो आज का ब्लॉग ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय गुड नाइट। और भाई ठंडा का मज़ा लेते रहो।